सिगरेट फूंकते हैं तो क्या होता है? धुआं अंदर जाता है, धुआं बाहर आता है, अंदर बाहर। जी नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। सुनो, एक सिगरेट में निकोटीन के अलावा और बहुत से केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म के आज़ा को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। सिगरेट के जलने, मुंह को लगने और धुएं के बाहर निकलने तक, ये सारे केमिकल्स एक बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं और उस सफ़र के हर मोड़ पे तबाही फैलाते हैं। दांतों का रंग टार की वजह से ख़राब होता है, जैसे जैसे फेफड़ों में धुआं भरता है वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती है और सांस फूलती है, लेकिन असल में ये मसलों का 1% भी नहीं है। लंग्स में जाके ये लंग्स के स्पेशलाइज सेल्स को खराब करते हैं। ये इन्फेक्शन लंग के अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तरह नजर आता है। सिगरेट स्मोकिंग एम्फिसीमा का भी एक बहुत बड़ा कॉज है, जो कि एक तरह की क्रॉनिक लंग डिजीज है। खून की नालियों में ये सारे टॉक्सिन्स खून की नाली को डैमेज करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस भी जगह जगह बढ़ जाते हैं, जो ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस और किडनी इंजरी के साथ साथ मर्दाना ताकत में भी कमी आती है। बस इतने से साइड इफेक्ट्स नहीं, अनगिनत कैंसर के रिस्क में बाकायदा इजाफा हो जाता है। लेरिंजियल कैंसर यानी वॉइस बॉक्स का कैंसर, इसोफेजियल यानी खाने की नाली का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर्स, पैंक्रियाटिक कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। लेकिन अगर आप स्मोक करते हैं, उदास ना हो। सबसे अच्छी बात यह है कि सिगरेट और निकोटीन की आदत छोड़ते ही बॉडी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिकवर कर जाती है और कुछ ही टाइम में इन सारी बीमारियों के रिस्क नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ सेकेंड के लिए इन सब बातों को साइड पर कर दें। हम सब जानते हैं कि सिगरेट इंतहाई नुकसानदेह है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इसको छोड़ना उतना ही मुश्किल। इसमें आपकी गलती नहीं। निकोटीन हमारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो तब रिलीज होते हैं जब इंसान खुश होता है या एक्सरसाइज करता है। चूंकि हम स्मोक करते हुए अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, इसलिए स्मोकिंग की आदत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सोने पे सुहागा कि अगर कोई इंसान छोड़ना चाहे भी तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है और उस कम्फर्ट को वापस पाने के लिए वो सिगरेट की तरफ फिर से बढ़ता है। तो बात सारी आके यहाँ पर अटक जाती है कि सिगरेट को आखिर छोड़ा जाए कैसे। विल पावर और हिम्मत के साथ साथ निकोटीन पैच और निकोटीन गम काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। निकोटीन पैच और निकोटीन गम आपकी बॉडी से निकोटीन के लेवल्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं और पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं बग़ैर विड्रॉल सिम्टम्स लाए हुए। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग सिगरेट छोड़ने के दौरान एक्सरसाइज को अपनाते हैं, वो सिगरेट की आदत छोड़ने में ज़्यादातर कामयाब रहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली स्मोकर्स के साथ। अगर कोई एक इंसान भी इस वीडियो की वजह से स्मोकिंग की आदत को छोड़ पाता है तो इस वीडियो का मकसद मेरे हिसाब से तो पूरा हो गया। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब।